भागलपुर जिला के नवगछिया थाना क्षेत्र के वार्ड 7 के निवासी मोहम्मद कुद्दूस की 13 वर्षीय पुत्री संगम खातून की मौत पुनमा कोसी नदी में स्नान के दौरान पैर फिसल जाने के कारण डूबने से हो गई। जब संगम अपनी माँ रहनुमा खातून के साथ नदी के उस पार कोरचक्का वहियार से बकरी का चारा लेकर नाव से वापस लौटने के बाद स्नान करने के दरमियान पैर फिसल जाने के कारण नदी में डूबने से हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा उसके शव को खोजा जाने लगा, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नवगछिया पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ एवं नवगछिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उस बच्ची की चप्पल गिर गई, चप्पल गिरने के क्रम में उनकी माँ बोली कि चप्पल उठा लो। चप्पल जो उठाने लगे तो पैर स्लिप कर गई, जिसके कारण वो डूब गई। क्या नाम है बच्ची का सर? बच्ची का नाम सेगम खातून। सेगम बस ये उस पार में गई थी घास लाने के लिए, पुनामा प्रताप नगर ये जगह है जी सर। पुनामा प्रताप नगर के वो धार है, धार के उस पार से आ रही थी, उसी क्रम में स्लिप की। पुलिस जिला नवगछिया के कटिहार बरौनी रेलखंड में नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर संध्या के 7:30 बजे के करीब प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ होने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म पर करीब 20 मिनट ट्रेन रुकने के बाद प्रवासी श्रमिक नाराज हो गए। वहीं नाराज श्रमिकों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान उन लोगों ने टिकट काउंटर, सीमेंट से बनी कुर्सी, पंखा, बल्ब सहित कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यही नहीं, आक्रोशित श्रमिकों ने पत्थरबाजी करते हुए स्टेशन अधीक्षक रामचंद्र मंडल और अन्य कर्मियों को भी नहीं बख्शा। दूसरी ओर उग्र श्रमिकों को नियंत्रण करने में रेल पुलिस का भी पसीना छूट गया। हालांकि कुछ समय उपरांत पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत करा दिया। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच समाज सेवी विजय यादव लगातार जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। वहीं आज ईद के मौके पर भी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सैकड़ों परिवारों के बीच दूध सेवई के अलावे अन्य सामानों का वितरण किया। इस संबंध में विजय यादव ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर गरीब और मजदूर परिवार के समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक परिवारों को रमजान में इस तरह की परेशानी ना हो, इसका वह खासा ध्यान रख रहे हैं। इस रमजान के 5 महीने में जो है, और मुस्लिम भाइयों के बीच में जो है सेवई और दूध का वितरण किए। ये सेवई और दूध का वितरण जो है कबीरपुर, रहमतबाग, भीमपिता और सेंट जोसेफ स्कूल के पास और नाथनगर क्षेत्रों में मोमिन टोला बड़ी मस्जिद के पास विभिन्न जगह करीब 1200 लोगों को जो है मैंने सेवई और दूध का वितरण किया। अभी तत्काल में ये नगर क्षेत्र में हूँ, यहाँ भी अनेक लोग सैकड़ों लोगों को मैंने दूध और सेवे वितरण किया। करीब 150 लोगों को मैंने सूखा राशन उपलब्ध किया है। और आज जो है एक विशाखचक थाना क्षेत्र में मतलब कल ये घटना घट गया था, एक परिवार भूख से मर गया था, ठीक है, उनके लड़के को मैंने सूखा राशन उपलब्ध कराया और कुछ आर्थिक मदद भी उसको उपलब्ध किया।